हैं, बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली में कोरोना केसों में बढ़ोतरी अभी भी जारी है, तो हर 24 घंटे में केस लगातार बढ़ रहे हैं। आपको बता दें 24 घंटे में कोरोना के 1000 से ज्यादा नए मामले दिल्ली में सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना से एक मरीज की मौत हुई है। तो बड़ी जानकारी, दिल्ली में कोरोना केसों में बढ़ोतरी लगातार जारी है। जहां एक तरफ हरियाणा में कोरोना केसों में इजाफा हो रहा है, तो दिल्ली भी पीछे नहीं है। बीते 24 घंटे की बात करते हैं, 1000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए जा चुके हैं। और आपको ये भी बता दें कि अब दिल्ली में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है, और साथ ही साथ अगर मास्क नहीं पहने पाए जाते हैं तो 500 रुपए का उसमें जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो आपको बता दें कि दिल्ली सरकार और DDMA लगातार बैठकें कर रहा है, इसमें हल निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। क्योंकि 24 घंटे के हिसाब से अगर बात करते हैं तो आंकड़े कल के मुकाबले आज फिर ज्यादा आ गए हैं, और ऐसे में रोकथाम के प्रयास भी तेजी के साथ हो रहे हैं। अगर वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो वैक्सीनेशन भी बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है। जहां कोरोना डबल स्पीड से बढ़ रहा है, तो वहीं ट्रिपल स्पीड के साथ वैक्सीनेशन भी होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे दो संवाददाता दिल्ली से अंकुश डोभाल और शिवानी लोहिया गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ गई है। तो जिस तरीके से अंकुश, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा, दिल्ली में लगातार 1000 से ज्यादा नए मामले यहां पर सामने आ चुके हैं, संक्रमण दर धीमे धीमे करके तेज होती हुई नजर आ रही है, तो फिलहाल अभी क्या कुछ तस्वीरें बयान हो रही हैं, किस तरीके की परिस्थिति बनी हुई है? देखिए प्रद्युम्न, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि कोरोना लगातार बढ़ रहा है, और कोरोना के मामलों के जो इजाफा देखने के लिए मिल रहा है कोरोना के मामलों में, उसके वजह से प्रशासन की चिंताएं कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर बीते 3 दिनों की हम बात करें तो बीते 3 दिनों में लगातार 1000 से ज़्यादा मामले जो है वो कोरोना के रिपोर्ट किए गए हैं। 3975 के करीब एक्टिव केसेस इस समय दिल्ली में हो चुके हैं। और हालांकि एक जो राहत की बात है वो ये है कि होम आइसोलेशन के ज़्यादा मामले हैं, इसमें 2812 जो तकरीबन लोग हैं वो होम आइसोलेशन में हैं। हमने देखा कि तीसरी लहर जब आई थी तो उसमें भी ज़्यादातर जो मरीज थे वो होम आइसोलेशन के ही थे। इसकी एक बड़ी वजह है कि भारत में जो है वैक्सीनेशन अभियान बहुत ज़्यादा तेज़ी से हुआ है। भारत में जिस तरीके से दोनों डोज को जो है लगाने का काम स्वास्थ्य विभाग की ओर से किया, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो मामले हैं उसमें कमी देखने के लिए मिल रही है। हालांकि मामले बढ़ रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट की अगर दिल्ली में हम बात करें तो 4.48% इस समय पॉजिटिविटी रेट दिल्ली में है। लेकिन बावजूद इसके जो अभी गंभीर लक्षण वाले मरीज हैं उनकी संख्या बहुत कम है। लेकिन लगातार सरकार की ओर से एक बात कही जा रही है, क्योंकि अब लगातार 3 लहर जो है भारत सह चुका है, लोग ये जानते हैं कि नियमों का पालन सख्ती से अगर किया जाए तो कोरोना से बचाव किया जा सकता है। पहली और दूसरी लहर में जिस तरीके का कहर देखने के लिए मिला, और तीसरी लहर में वो कहर देखने के लिए नहीं मिला, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में जो वैक्सीनेशन था वो बहुत बेहतरीन हुआ था, और साथ ही साथ पूरे जो देश भर की बात हम करें तो वहां पर वैक्सीनेशन तेजी से हुआ था, और यही वजह थी कि मामलों में तो आए लेकिन वहां पर गंभीर लक्षण वाले जो मरीज थे वो उनकी संख्या बहुत कम थी। अब जब एक बार आंकड़े लगातार दोबारा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो सरकार की ओर से कोशिश की जा रही है कि टेस्टिंग को बढ़ाया जाए और साथ ही साथ वैक्सीनेशन को भी बढ़ाया जाए, ताकि टेस्टिंग की जगह, क्योंकि लगातार एक बात कही जाती है कि ट्रैक और टेस्ट एंड ट्रीट, ताकि जो है मरीजों का पता लगाया जा सके, उनसे और लोगों को लक्षण की वजह से उनके जो है और लोगों को कोरोना ना फैले, इस बात का विशेष ध्यान दिया जाए। इसके अलावा वैक्सीनेशन पर तेजी से ध्यान दिए जाने की जरूरत है। यही वजह है कि पहले हमने देखा कि 60 साल से अधिक लोगों के लिए प्रिकॉशन डोज शुरू की गई, और अब हम देख रहे हैं कि जो किशोर अवस्था के बाद जो लोग हैं 18 से 59 साल के, उनके लिए भी प्रिकॉशन डोज शुरू कर दिया गया है, और जैसे जैसे समय बढ़ेगा हम देखेंगे कि किशोरों के लिए भी वैक्सीनेशन जो है वो शुरू कर दिया जाएगा, ताकि जो ये कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं जो है मामूली गिरावट देखने के लिए मिलते रहे। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया, जहां पर गंभीर लक्षण वाले मरीज अभी सामने नहीं आ रहे हैं, ऐसे में गुरुग्राम से हमारी संवाददाता शिवानी लोहिया हमारे साथ बनी हुई हैं। शिवानी, अब तो हरियाणा की बात करते हैं तो बूस्टर डोज भी मुफ्त कर दी गई है, लेकिन गुरुग्राम की अगर बात करते हैं तो गुरुग्राम में सबसे ज्यादा आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, आज भी वही स्थिति बनी हुई है, तो ऐसे में कमी कहां पर रह रही है? बिल्कुल प्रद्युम्न, जिस तरीके से 417 मामले जो है वो संपूर्ण हरियाणा से सामने आए हैं, और अगर बात करूं गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम से 331 कोरोना के मामले जो है वो सामने आना एक चिंता का विषय जो है वो जरूर है। हालांकि गुरुग्राम में जो है पूरे देश के अंदर जो गुरुग्राम है वो पहला ऐसा शहर बना था जिसमें 100% जो वैक्सीनेशन है वो सबसे पहले हुआ था, लेकिन बावजूद इसके अगर गुरुग्राम की स्थिति देखा जाए तो वो साफ इस चीज से पता चलती है, जिस तरीके से आंकड़े जो है वो
गुरुग्राम में 331 मामले जो है वो सामने आए हैं, तो इसमें गुरुग्राम की जो जनता है वो थोड़ी सी लापरवाह जो है वो बिल्कुल दिखाई दे रही है। इस कहीं ना कहीं जो ये मामलों का बढ़ना है, ये क्योंकि तीन लहर जा चुकी है और उसके बाद अब जो चौथी लहर आई है, तो गुरुग्राम की जनता ही नहीं पूरे देश की जनता को ये पता है कि इसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। लेकिन बावजूद इसके अगर 331 मामले संपूर्ण हरियाणा में 417 मामले आ रहे हैं, उसमें से 331 अगर गुरुग्राम में सामने आ रहे हैं, तो ये गुरुग्राम की जनता के लिए बेहद बिल्कुल चिंता का विषय। अगर ग्राउंड पे स्थिति देखी जाए तो बिल्कुल वही स्थिति देखने को मिलती है। लोग मास्क लगाते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो नाक के नीचे मास्क लगा के चलते हैं, जिनको समझाना बेहद मुश्किल है। हालांकि जिला प्रशासन जो है वो लगातार एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिला प्रशासन बार बार ये चीज कहता है कि आप मास्क पहने, जितने भी प्रिकॉशंस हैं वो अभी फिलहाल बढ़ते हैं, क्योंकि फिर से एक बार मामले जो है वो जो है बढ़ने शुरू हो गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि लोग यहाँ पर कोताही बरतते हुए नजर आ रहे हैं, और उसका यही कारण है, और इसी वजह से जो है गुरुग्राम में 331 मामले अगर आज सामने आए हैं, तो एक बड़ा कारण यही माना जाता है। हालांकि कारण ये भी माना जाता है कि दिल्ली से रोजाना जो है लाखों लोग जो है वो गुरुग्राम में आने जाने का सफर करते हैं, लेकिन अगर वो लोग भी प्रिकॉशंस लेंगे तो ये मामले जो है वो दिल्ली में भी कम हो सकते हैं और गुरुग्राम में ही, क्योंकि दोनों ही जगह पर जो है प्रिकॉशंस नहीं लिए जा रहे हैं प्रद्युमन, इसी वजह से जो मामले हैं वो दोनों ही जगह बढ़ रहे हैं। चलिए ठीक है शिवानी और अंकुश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, हम लोग आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने सुना, जहां पर दोनों हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लोगों की लापरवाही के चलते ही यह आंकड़ों में इजाफा हर दिन देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल अब कोरोना का जो ग्राफ है वो तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, ऐसे में सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है।